रायबरेली जिले में जिला जेल का जिला जज व डीएम ने किया औचक निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान जाना लंबे समय से जेल में बंद कैदियों से उनका हालचाल, कैदियों के वकील का ना होने की दशा में वकील दिए जाने का लेकर उन्होंने कैदियों को दिया भरोसा। आपको बता दें, रायबरेली जिले के जिला जज व जिला अधिकारी ने आज जिला जेल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जेल में लंबे समय से बंद कैदियों के पास वकील की सुविधा ना होने के चलते उन कैदियों से जिला जज व जिला अधिकारी ने बात की कि जिनके पास वकील की सुविधा नहीं है, वहीं उन्होंने उन बंदियों को यह आश्वासन भी दिया कि जिला प्रशासन की तरफ से जेल में बंद कैदियों को अब वकील की व्यवस्था की जाएगी। इस औचक निरीक्षण में जिला जज, जिला अधिकारी व पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी भी मौजूद रहे, जिन्होंने जेल के अंदर जाकर जेल के हर कोने कोने की सघन चेकिंग की। आइए आपको भी सुनवाते हैं क्या कहना है इस पूरे चेकिंग अभियान को लेकर जिला जज का। सर, आज क्या जांच हुई है जेल में? जेल में सारे बंदियों को देखा गया है, जो खासतौर से 18 से 20 साल के थे और महिलाएं थी, और जो जेल में बंद हैं, कुछ अंडर ट्रायल हैं और कुछ उनको सजा हो चुकी है, तो उनके पास किसी के पास वकील ना हो या उनको और किसी प्रकार की परेशानी हो या किसी को मेडिकल तकलीफें हो, तो उसके बारे में उनसे बात की गई। और जो जिनके पास नहीं थे वकील, उनको प्रोवाइड कराने के आदेश दिए। इसके अलावा सर कुछ और जांच नहीं? इसके अलावा तो जो चीज़ें देखी गई हैं वो तो ठीक पाई गई हैं, और सारे जो लोग कन्विक्शन में हैं, इनके अपील्स हैं, उनके बारे में एक्सपेडाइट करने की बात हुई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी निर्देशित किया गया है कि अगर कोई ऐसे बंदी हैं जो काफ़ी टाइम से जेल में बंद हैं, तो उनको या तो जमानत के माध्यम से उनको छुड़वाया जाए, और वकील अगर उपलब्ध नहीं है तो उनको वकील प्रोवाइड कराया जाए।